मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें SkyMet मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। दोस्तों, SkyMet वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 9 मार्च हो चुकी है। अगले कुछ दिनों तक कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे एक के बाद एक। इससे पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था बहुत कमजोर था, उसने जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बहुत हल्की बारिश की गति दी थी। एक दो स्थानों पर हल्का स्नोफॉल दिया था। लेकिन अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं वो दोबारा से थोड़ा सा मजबूत हैं। ये 10 तारीख को ये पाला पहुंचेगा, ये यहाँ पर पहाड़ों पर पहुंचेगा, उसके पीछे जो है वो 12 तारीख को पहुंचेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उड़ीसा पर है जो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दे सकता है। और ये अगर 12 तारीख के आसपास की बात करें तो इस तरह का मौसम दिखाई देगा। 10 वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा और 12 तारीख वाला थोड़ा सा निचले इलाकों में दिखाई देगा। तो इनके प्रभाव से जो बारिश और स्नोफॉल होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और आपने देखा होगा कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो जो उत्तरी हवाएं हैं वो कट ऑफ हो जाती हैं और इस तरह से घूमने लग जाती हैं, हल्के बादल आते हैं और तापमान बढ़ जाता है। तो मिनिमम टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे और जो डबल डिजिट में सारे जगह पर टेम्परेचर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि 3 तारीख के आसपास जो उत्तर भारत में ओले गिरे थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाके, दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उससे जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। एक बहुत बड़ी बात यह है कि पहले जो अभी तक के जो मौसम है मार्च 9 तक का, तो 5 दिन लगातार दिल्ली में 10 डिग्री के नीचे मिनिमम टेम्परेचर देखा गया, जो एक तरह से कह सकते हैं अगर पेंटार्ड देखें, यानी कि 5-5 दिनों का जो एवरेज होता है वो 13 से 14 डिग्री के बीच में रहता है, 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में दिल्ली का। लेकिन इस बार 10 डिग्री के नीचे रहा। इससे पहले 1990 में 10 डिग्री के नीचे, यानी कि शुरुआती जो दौर था वो मार्च का, 1990 के बाद में सबसे ठंडा पहले जो मिनिमम टेम्परेचर है वो मार्च के शुरुआती दौर में 2024 में दिखाई दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 34 साल बाद। तो ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और क्लाइमेट चेंज का असर तो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि बेमौसम बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं मार्च महीने में, और उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी और मध्य भारत में बारिश हुई है, फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि अप्रैल में भी कभी कभी प्री मानसून गतिविधियों के कारण इस तरह का वेदर हो जाता है। तो अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये 10 तारीख वाला जो है वो कमजोर होगा और इसके प्रभाव से 10 और 11 तारीख को, पहले 10 तारीख की बात करते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्का बारिश और हल्की स्नोफॉल होगी। 11 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी, 12 तारीख को थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन 12 तारीख को दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पहुंचेगा और 12 तारीख से फिर से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ लद्दाख में बारिश और स्नोफॉल बढ़ना शुरू हो जाएगी उसकी रात से। 13 तारीख और 14 तारीख को जो मौसमी गतिविधियां हैं वो उत्तराखंड में भी पहुंचेंगी। उत्तराखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे, स्नोफॉल देखेंगे और इसका असर उत्तर भारत में 13 तारीख को दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को बारिश हो सकती है और दिल्ली NCR में बादल छा सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तरी जो उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है, जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, इस इलाके में बारिश की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी अच्छी बात है, खड़ी फसलों को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो बारिश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ हो सकता है तेज हवाएं चलें जिससे फसलों को नुकसान हो जाए। लेकिन ये राजस्थान के उत्तरी जिलों में बारिश की संभावना काफ़ी कम है, बादल छा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वेदर एक्टिविटी न होने के कारण फसलों को नुकसान की आशंका कम है और मिनिमम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे और जब बारिश हो रही होगी उस समय मैक्सिमम टेम्परेचर 13 और 14 तारीख को थोड़े से गिर जाएंगे, उसके बाद वे फिर से तापमान बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अब कड़ाके की सर्दी दिखाई नहीं देगी, जो सुबह के समय टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर गए। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो उत्तरी हवाएं जो चलेंगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलने के बाद 15 मार्च से उसमें इतनी ठंडक नहीं होगी। और अगर इस समय का पिक्चर ये देखें, सैटेलाइट पिक्चर ये 9 मार्च का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान और ये अफगानिस्तान वगैरह में बादल छाए हुए हैं। अब पहाड़ों पर ये जो दिखाई दे रहा है ये बर्फ है, बादल नहीं है। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में बर्फ है, बादल नहीं है। ये बादल उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में, जिसके प्रभाव से यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाया था, तो उड़ीसा में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल में भी छिटपुट बारिश हो सकती है।
और अभी का टेम्परेचर देखें अगर मिनिमम टेम्परेचर आज तो पहाड़ों पर ही यानी कि श्रीनगर में -0.2 है, बाकी आप देखिए वाजीगुंड, मनाली, मुक्तेश्वर, बुंतर, सुरेंद्रनगर, मंडी, बनिहाल, शिमला, ऊना, शिलोंग यहाँ तक 6.8 तक है, फिर करनाल में 7-8 है, फिर पंतनगर में 8.5 है, नजीबाबाद में 8.6 है, हिसार में 9 है और दिल्ली में 10 है। तो इस तरह के टेम्परेचर यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो पहले तो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गए, 13-14-15 तक पहुंच गए थे मिनिमम टेम्परेचर, ये जो बारिश हुई थी इसके कारण गिरे थे, अब धीरे धीरे फिर से बढ़ोतरी दिखाई देगी। मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो 22-23 डिग्री तक आ गए थे वो सारे उत्तर भारत में 26-27 तक पहुंच गए, अब धीरे धीरे ये 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे दिन भी गर्म होने लग जाएगा। तो अगर हम देखें तो आगे का जो मौसम अगर देखें तो जैसे मैंने बोला 13 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होगी, दिल्ली में बौछारें बहुत हल्की होंगी या बादल छाएंगे, उत्तर और राजस्थान के बाकी जो जिले हैं यानी कि उत्तर पश्चिमी जिलों में बादल छा सकते हैं, बाकी जिलों में मौसम लगभग साफ रहेगा, गर्म रहेगा, धीरे धीरे दिन गर्म होने लग जाएगा। गुजरात में भी अब जो टेम्परेचर है मिड 30s 34, 35, 36 और 37 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, दिन काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र और के साथ साथ मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे और गर्मी बढ़ जाएगी। और गुजरात में भी जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर और जो सहारनपुर सरसावा वगैरह है यहाँ पर, मुजफ्फरनगर में हल्की बुल्की बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। आप लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, फैजाबाद, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, भदोही, जौनपुर, रायबरेली वगैरह और प्रयागराज और जो वाराणसी वगैरह पूरे इलाके शुष्क रहेंगे। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, यहाँ पर तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शुष्क रहेंगे, उड़ीसा में हल्की बारिश की गतिविधियाँ आज हो सकती हैं, कल की संभावना काफ़ी कम है। गंगे पश्चिम बंगाल में भी आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। सिक्किम और जो अरुणाचल प्रदेश में बहुत हल्की बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय ये इलाके सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे। और दक्षिण भारत की बात करें, ये ट्रफ तो बनी रही है लेकिन खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, मॉइस्चर ज्यादा नहीं है, तो दक्षिणी केरल में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु सूखा रहेगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना ये सारे सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। रायलसीमा और केरल में तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, गर्मी काफी ज्यादा हो जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप में भी मौसम गर्म होने लगा है, यानी कि आप जा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा गर्म रहेगा वहां। गोवा में भी गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी गई है, तो ये सारे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं ये थोड़े से गर्म हो गए, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी बर्फबारी का आनंद लिया जा सकता है। 12 और 13 मार्च को कई इलाकों में स्नोफॉल आपको दिखाई दे सकता है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।